शहर में भड़की हिंसा के दौरान शहीद हुए इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह को अंतिम विदाई दी गई। यूपी पुलिस के आला अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। एटा में पैतृक गांव तरगवा में बड़े बेटे श्रेय ने शहीद पिता को मुखाग्नि दी। शहीद को नम आंखों से अंतिम विदाई के लिए जनसैलाब पहुंचा था। आपको ये भी बता दें कि सोमवार को गोकुशी की घटना के बाद भड़की हिंसा के दौरान इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की मौत हो गई। सुबोध कुमार सिंह के घर पर गम का माहौल है। कॉल आया था, मैंने सबसे पहले कि आपके पापा को चोट लगी है, इज इन क्रिटिकल कंडीशन। हम लोग गए, किसी एक ने वहाँ के जो दीवान होते हैं उसके बाद 6:30 बजे तक जब हम पहुँचे यहाँ पर, जो देखा सुना और जो पता चला उसके बाद ना कहने की हालत में था मैं, ना भैया ना कुछ सुनने की हालत। ये करीब 2:45 की घटना है, मतलब कॉल आई थी। तो फिर उसके बाद मम्मी ने 5 मिनट मेरे को फ़ोन करा, कहा बेटा तू जल्दी घर आ जा, पापा को चोट लग गई है। मैंने कहा क्या हुआ, तो कहती गोली लग गई है। अस्पताल में पहले गांव के थोड़े लोग आ गए थे, उन्होंने फिर बताया, घटना बताई। हमें तो घटना का पता ही नहीं था क्या हुआ है, अनजान थे, किसी ने पूरी बात ही नहीं बताई। कोई कुछ बता रहा, कोई कुछ बता रहा था। बुलंदशहर हिंसा में